करेक्टर प्ले करते वक्त ऐसा तो नहीं फील हो रहा कि सच में शादी करनी है? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको तो हो रहा होगा जैसे लग रहा है ना मुझे तो। जो भी कोई भी करेक्टर हम कर रहे होते हैं आप जितना उसके अंदर जाएंगे वो उतना आपके लिए उतना ही नेचुरल लगेगा। इतना भी नहीं अंदर चले जाना, एक्ट ही चल रहा है ठीक है, लेकिन पैसे पैसे असली ले रहे मेरे से, मतलब ये मेरी जेब खाली हो रही है। दूल्हा दुल्हन बल्कि सालियां भी बहुत खुश हैं और यहाँ पर कोई भी पुप्पो का रोला नहीं है, खाला का रोला नहीं है। लाल सूट ना पाया करो, नजर ना लग जावे करो, वार ना आया करो। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं जिनकी कल मेहंदी थी और आज बारात है, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको भी करवाते हैं, तो मेरे साथ चलो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नेबा डिजिटल। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त दूल्हा और दुल्हन मौजूद है जिनकी कल मेहंदी थी आज बारात है, इनसे जानते हैं कैसा फील हो रहा है। ये एक एक्सपीरियंस है और ये ज़ाहिर है हमारा नया नया एक्सपीरियंस है, हम तो खुद स्टूडेंट हैं और मिराज यूनिवर्सिटी की डिप्लोमेटिक सोसाइटी से हैं, तो ये एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हम पंजाबी पंजाबी एक घराने का, जो कि पंजाबी टप्पे भी हम गाएंगे अभी और एक दूसरे को टप्पे भी मारेंगे और इस तरह के जिस तरह पंजाबी में होती है टप्पे छप्पे सुनाई जाते हैं और इन्जॉय करेंगे हम। ऐसा दूल्हा नहीं जो खुद इतना एक्साइटेड है अपनी शादी पे, आप क्या कहेंगे कैसा लग रहा है? काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस है, पहले तो कैसा कभी हुआ नहीं है, तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक इवेंट में हम लोग दूल्हा दुल्हन बने हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये एज करेक्टर प्ले करते वक्त ऐसा तो नहीं फील हो रहा है कि सच में शादी करनी है? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको तो हो रहा होगा जैसे लग रहा है ना मुझे तो कुछ भाई जाहिर है। आप देखें जो करेक्टर आप जब जब जो भी कोई भी करेक्टर हम कर रहे होते हैं आप जितना उसके अंदर जाएंगे वो उतना आपके लिए उतना ही नेचुरल लगेगा और उतना ही अच्छा लगेगा। अंदर चले जाना। नहीं नहीं वो बस जाहिर है, वो जाहिर है, वो जोरदार है। ठीक हो गया। अच्छा कल मेहंदी थी आज बारात है? हाँ जी कल मेहंदी थी आज बारात है और कल होगा वलीमा। ठीक हो गया। और क्या इंजॉय किया, किस तरह से मजा आ रहा है? जैसे अभी हमने सेहराबंदी की थी यहाँ पे और कल हमने मेहंदी की थी, तो फिर मेहंदी में कौन सी रस्म की थी हमने? दूध पिलाई की थी। दूध पिलाई मेहंदी पे कौन करते हैं? हल्दी लगाई थी, मेहंदी की रस्म की थी बकायदा, जो पंजाब की कल्चर की होती है हमने वो की थी। उसके बाद ढोलक बजाया और टप्पे वगैरह गाए, डिफरेंट गाने गाए हम लोगों ने, और बस क्योंकि कल हमारे पास दूल्हा नहीं था, पहले दुल्हन थी और फिर दूल्हा आया मेहंदी लेके बकायदा रवायत के साथ हम लोगों ने इसको। अच्छा तो आज दूध पिलाई करनी थी ना? जी करनी है, अभी बाकी है दूध पिलाई, अभी तो हमने रस्ता रुकाई की है। क्या सोचा हुआ, कितने पैसे? जो पैसे इन्होंने हमें दिए थे रस्ता रुकाई पे वो हम ऑलरेडी खा चुके हुए हैं और अब हम लेंगे आगे दूध पिलाई पे और फिर वो खाएंगे। और अब आज हम बहने बन के, बहने नहीं इनकी बहने हैं वैसे, हम यूनिवर्सिटी में ठीक है, तो इनके साथ ड्रामेटिक में होते हैं मिनाज यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनकी बहने नहीं सालियाँ बन के इनको लूटेंगे और खाएंगे। लूट के कैसा लग रहा है? वैसे तो शादी तो एक एक्ट ही चल रहा है ठीक है, लेकिन ये पैसे असली ले रहे हैं मेरे से, मसला ये है मेरी जेब खाली हो रही है। लेकिन फीलिंग्स जो है वो मुझे लग रहा है शादी वाली ही आ रही है। हाँ वो तो है, अब जाहिर है पैसे तो जा रहे हैं तो फीलिंग तो आ रही है। बिल्कुल पैसे तो जा रही है, पैसे तो हमने इनसे लेने ही लेने हैं, ये जो रस्में हो रही है जो पैसे देंगे वो तो हम वापस नहीं करने वाले हैं, ये तो फाइनल है। अब तक कितने पैसे दे चुके हैं? अब तक अभी तक 600 से 1000 रुपए तो मेरे निकल गए हैं। इतने कम? ठीक है फिर भी एक्ट करते वक्त फिर भी ठीक है, तो फिर मिलने नहीं थे ना इसीलिए हमने उतरे मांगे जितने मिल जाए। ठीक हो गया। अच्छा दुल्हन क्या चुप करके बैठी हुई है? दुल्हन बोल रही थी पहले, अब चुप करके बैठी हुई है। क्यों मेरे आने से चुप करी? नहीं पहले भी बोल रहे थे, दुल्हन थोड़ी शर्माती है ना तो। पंजाब की दुल्हन नहीं शर्माती, वैसे भी मैस्कॉम के बच्चे में शर्माना तो होता नहीं है। क्यों मैस्कॉम के बच्चों की शर्म उधर जाती है? नहीं हम ड्रामा वगैरह इतने पहले करते होते हैं तो कॉन्फिडेंस तो होता ही है। जी नाज़रीन दूल्हे की जो एक्साइटमेंट है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये टप्पे भी गा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो हम इनसे टप्पे सुन लेते हैं।
लाल सूट ना पाया करो, लाल सूट ना पाया करो, नजर ना लग जावे करो, बार ना आया करो, नजर ना लग जावे करो, बार ना आया करो। आपको कह रहे हैं आलू मटर पकाए हुए ने खाना इते खास जना असी पैसे लाए हुए ने। अनोखी शादी थी जहाँ दूल्हा दुल्हन बल्कि सालियाँ भी बहुत खुश हैं और यहाँ पर कोई भी पुप्पो का रोला नहीं है, खाला का रोला नहीं है, लड़ाइयाँ नहीं हुई और मज़ा आ रहा है, सब इन्जॉय कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान फाई कराना को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।